जोधपुर में वायुसेना का विमान क्रैश हो गया है। बनाड़ के पास देवलिया गांव में यह हादसा हुआ है। मौके पर पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम पहुंच चुकी है। हादसे में विमान का पायलट सुरक्षित बताया जा रहा है, लेकिन विमान जलकर खाक हो चुका है। कैसे यह हादसा हुआ है ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है, लेकिन बनाड़ के पास कैसे ये प्लेन स्वाहा हुआ है इसकी तस्वीरें भी सामने आ रही है। एयरफोर्स का ये प्लेन है, लेकिन गनीमत की बात यह रही कि पायलट पूरी तरह से सुरक्षित है। तो ये तस्वीरें इस वक्त जोधपुर से आप देख रहे हैं, जहां पर वायुसेना का ये विमान बताया जा रहा है जो क्रैश हुआ है। बनाड़ के पास देवलिया गांव है जहां पर यह हादसा हुआ है। जैसे ही जानकारी मिलती है हादसे की, तुरंत पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम पहुंचती है। अरुण हर्ष से ज्यादा जानकारी देने के लिए। अरुण, क्या ये पता लग पाए हादसा हुआ कैसे? जी श्वेता, ये अभी विमान नियमित उड़ान के दौरान वायुसेना स्टेशन जोधपुर से सुबह इसने उड़ान भरी थी। ये MiG-21 यहाँ से उड़ान भरने के बाद में कुछ दूरी पर गए, उसके बाद में जब वापस जोधपुर लौट रहे थे तो बनाड़ क्षेत्र में इसमें कुछ आग लगी। आग लगने जैसे पायलट को इसकी खबर लगी तो पायलट ने तुरंत ATC को इसकी सूचना दी। ATC ने पायलट को सुरक्षित बचने के लिए आदेश दिए। पायलट ने वहां पे पैराशूट के जरिए वहां पे जंप लगाया। बहुत गनीमत रही कि ये खुले स्थान में गिरने की वजह से कोई जनहानि नहीं हुई और पायलट भी सुरक्षित है। लेकिन MiG-27 है जिसमें एक तरीके से कहें कि सारी चीजें होती हैं सुरक्षा के लिहाज से, फिर क्रैश होना इस प्लेन का, ये कहीं ना कहीं चिंता की बात नहीं है? बिल्कुल, ये चिंता की बात तो है। पहले भी कई बार ये हादसे होते रहे हैं। हाल ही में एक 27 एक रहवासी क्षेत्र में गिरा था। गनीमत ये रही कि मकान में उस समय कोई मौजूद नहीं था। अगर उस समय 2-4 लोग मौजूद होते तो बहुत बड़ी जनहानि हो जाती। मकान के अंदर ही भी ये पायलट भी सुरक्षित उसमें बच गया था। लेकिन ये हमेशा MiG-27 होते रहते हैं हादसे। हो सकता है कि पुराना विमान भी हो गया है, लेकिन अभी इसका लेटेस्ट वर्जन जो Su-30 है वो जोधपुर वायुसेना अधिकारी क्या कुछ कह रहे हैं? जितेंद्र जी, अधिकारी क्या कुछ कह रहे हैं? अभी अधिकारी तौर पर इसकी पुष्टि नहीं हुई है। अधिकारियों से हमने बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कहा कि एक पूरी जांच करने के बाद में ही पूरी स्पष्टीकरण हो पाएगा कि आखिर इसमें कैसे आग लगी और क्या कारण रहा इसके। कितने लोग सवार थे जिस वक्त ये हादसा हुआ? इस विमान में सिर्फ एक पायलट ही सवार थे ओनली, जो कि लड़ाकू विमान है। सिंगल पायलट का होता है ये लड़ाकू विमान में। चलिए, आगे भी अपडेट लेंगे, जानकारी देने के लिए धन्यवाद। तो फिलहाल इस मामले की जांच की जा रही है, क्या कुछ हुआ है ये जानने की कोशिश की जा रही है। लेकिन MiG-27 है, जिस तरह से यह हादसे का शिकार हुआ है, कहीं ना कहीं अहम सवाल भी खड़े होते हैं कि आखिर क्या कोई तकनीकी खराबी थी, क्यों इस तरीके से ये विमान क्रैश हुआ है। और अब हर पहलू से इस मामले की जांच की जा रही है। हुआ क्या ये समझिए, तकनीकी खराबी के चलते लड़ाकू विमान क्रैश हुआ है ऐसा बताया जा रहा है जो शुरुआती जांच में सामने आया है। विमान का पायलट सुरक्षित है, देवरिया गांव के पास यह हादसा हुआ है। तुरंत पायलट बाहर निकलता है और अपनी जान उसने बचाई किस तरह से। विमान गिरने से खाली स्थान पर लगी आग, विमान पूरी तरह से जलकर खाक हो चुका है। फायर ब्रिगेड ने प्लेन की आग पर काबू किया है और अब इस मामले की जांच की जा रही है कि आखिर यह हादसा कैसे हुआ है, कैसे ये प्लेन क्रैश हुआ है। MiG-27 लड़ाकू विमान है ये एयरफोर्स का, और जब जोधपुर लौट रहा था ये विमान उसी वक्त हादसे का शिकार होता है देवरिया गांव के पास। और ये उसी वक्त तस्वीरें आप देख रहे हैं कि कैसे ये खाली जगह थी जहां पर ये प्लेन क्रैश होता है। गनीमत ये रही कि ये गांव में क्रैश हुआ है, अगर यहां पर रिहायशी बस्ती होती तो फिर क्या कुछ होता इसका अंदाजा साफ तौर पर लगाया जा सकता है। पायलट ने किसी तरीके से प्लेन से बाहर आकर अपनी जान बचाई है, लेकिन जब तक आग पर काबू पाया जाता प्लेन किस तरह से जलकर खाक हो चुका है ये तस्वीरों से बयां हो रहा है। आग कितनी ज्यादा लगी होगी ये भी साफ समझा जा सकता है। तो जी हिंदुस्तान पर इस वक्त पहली तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये MiG-27 है जो क्रैश हुआ है जोधपुर के पास। बताया जा रहा है उड़ान भरी थी इसने, जोधपुर लौट रहा था ये, लेकिन गनीमत की बात यह है कि पायलट पूरी तरह से सुरक्षित है। फिलहाल शुरुआती जांच में तकनीकी खराबी की बात निकलकर सामने आ रही है, लेकिन किस तरह की तकनीकी खराबी थी ये भी देखने वाली बात होगी। और क्या एक तरीके से कहें कि बिना तकनीकी खराबी के ठीक किए ही इस विमान को उड़ा दिया गया। डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ प्रफुल बख्शी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रफुल्ल जी, जिस तरह से प्लेन क्रैश हुआ है क्या वजह आप लोग मानते हैं? देखिए, जब ये ट्रेनर देख रहा था, जो MiG-27 के लिए ट्रेनर जो है, MiG-27 और MiG-23 कॉमन ट्रेनर होते थे, ये जो ट्रेनर एयरक्राफ्ट है, अब ये जब जहाज को मानता हूं अब रिप्लेसमेंट पे जाएंगे
पर एक बात आपको बता दूं कि जब हम एयरफोर्स के एक्सीडेंट की बात करते हैं जी, तो ये सिविल से कंपेयर इनको कभी मत करिए, ये अलग चीज होती है। एयरफोर्स का एयरक्राफ्ट जो होता है अपने अपर आउटर लिमिट में फ्लाई करता है, मतलब अपने टोटल परफॉर्मेंस के लिमिट में फ्लाई करता है जी। और पायलट भी के ऊपर भी परफॉर्मेंस का अपने पूरे आउटर लिमिट में पायलट के ऊपर प्रेशर पड़ते हैं। तो यहाँ पे एक्सीडेंट का खतरा सिविल फ्लाइंग से बहुत ज्यादा होता है। जैसे कि अगर एक जिम्नास्टिक का आदमी कर रहा है और एक आदमी सिर्फ बगीचे में घूम रहा है, फर्क ये होता है। तो जब इसमें खतरा ज्यादा होता है क्योंकि गलती कर रहे हैं, मार्जिन ऑफ एरर्स बहुत हाई होते हैं इन चीजों में, इसीलिए आप देखेंगे कि वर्ल्ड ओवर फाइटर एयरक्राफ्ट के एक्सीडेंट बहुत ज्यादा होते हैं। हालांकि जब भी एक्सीडेंट होता है इसके कई कारण हो सकते हैं, चाहे बर्ड हिट हुई हो, चाहे इंजन में आग लगी हो, हाइड्रोलिक टोटल फेलियर, इलेक्ट्रिक एंड हाइड्रोलिक कंबाइंड हो गया हो, या जो स्ट्रक्चरल फेलियर है, या फॉरेन ऑब्जेक्ट डैमेज है अंदर, कई चीजें हो सकती हैं। तो इसके लिए इंक्वायरी होती है, अभी इंक्वायरी होगी, पूरा पता चलेगा। हमें खुशी है कि दोनों पायलट सेफ है, तो इंक्वायरी में बड़ी आसानी से पता चल जाएगा। मतलब रिस्क होता है इस तरीके से, जब भी ये प्लेन ट्रायल बेसिस पे होते हैं या फ्लाई करते हैं तो एक रिस्क होता है, बड़ा रिस्क। आपको क्लियर बता दूं, फाइटर फ्लाइंग रोज करनी पड़ती है जी। जब तक पायलट रोज फ्लाई नहीं करेंगे, कम से कम महीने में 25 दिन हर एक पायलट फ्लाई करता है जी, क्योंकि उसको पूरे थ्रू आउट द लाइफ टाइम जब तक वो फाइटर पायलट है उसको प्रैक्टिस में रहना पड़ता है। एक महीना भी फ्लाई ना करे तो उसके परफॉर्मेंस में फर्क पड़ता है, इसीलिए रोज फ्लाइंग होती है। इसीलिए आप देखेंगे कि आपके किसी फाइटर बेस के पास बाहर जाए तो निरंतर फ्लाइंग होती रहती है, क्योंकि अलग अलग प्रैक्टिसेस, अलग अलग सिनारियों की प्रैक्टिस करते हैं, बॉम्बिंग की, अटैक की, स्ट्राइकिंग की, रॉकेट अटैक, गन अटैक, एयर कॉम्बैट, लो लेवल एयर कॉम्बैट, हाई लेवल, कई चीजें होती हैं। तो क्या हमारे प्रभु जी कोई टेक्निकल फॉल्ट भी हो सकता है MiG-27 ये जो प्लेन जो क्रैश हुआ है? क्योंकि देखिए इंजन हाई परफॉर्मेंस इंजन अपनी लिमिट में फ्लाई कर रहा है, कहीं ना कोई टेक्निकल फेलियर हो सकता है, कोई पार्ट फेल हो गया होगा, कोई सील टूट गई होगी, कहीं लीकेज शुरू हो गया होगा, कई चीजें हो सकती है। तो ये सब चीजों का इंक्वायरी होगी और पता चलेगा। पर मैं आपको अभी बता दूं, क्योंकि आप बहुत इंपॉर्टेंट मीडिया हैं, ये जो फाइटर फ्लाइंग में जो एक्सीडेंट होते हैं ये बस हाई रिस्क जॉब है, वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट रिस्क जॉब फाइटर फ्लाइंग होता है। तो आप इसको मान के चलिए कि ये कोई कंपनी बाग में घूमने वाली बात नहीं है, इसलिए ये बहुत ही डेंजरस मामला है। इसमें ये मान के चलिए, और जो फ्लाई कर रहे हैं उनकी हौसला अफजाई रखने के लिए आप उनके लिए बिल्कुल। लेकिन वाकई यही गनीमत की बात है कि दोनों जो पायलट है वो सुरक्षित है पूरी तरह से, और वाकई अब जिस तरीके से जांच की जाएगी तब पता लग पाएगा कि किस तरह की तकनीकी खामी थी इस फाइटर प्लेन के अंदर।